सो हाय एवरीवन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक कोड लिखा हुआ है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है। तो इस कोड को समझने से पहले हम आज समझेंगे कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो फंक्शंस आपके कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप ये कोड देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो पहले समझते हैं कि प्रिंट एफ क्या है। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो मेरा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराएगा ऑन द कंसोल स्क्रीन। यानी कि ये एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कोड पहले से ही लिखा हुआ है जिससे कि मैं कुछ भी प्रिंट कराना चाहता हूँ तो वो मेरी कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बस मुझे इस फंक्शन का यूज़ करना है। यानी कि ये फंक्शन एक ऑलरेडी कोड, इस फंक्शन का जो कोड है वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। और वो टास्क कौन सा है? वो टास्क वो है कि कंसोल स्क्रीन पे आपको जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट हो जाए। तो यानी अगर मुझे हेलो वर्ल्ड कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो इन्हें ही बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शन सिर्फ प्रिंट एफ ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। अब जैसे आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस हमेशा वो चीज़ होती है जो आपको कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो सिमिलरली फंक्शंस यहाँ पे यही काम करते हैं। अब फंक्शंस को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम आने वाली हमारी जो आने वाली वीडियोस होंगी इस सीरीज़ में उसमें हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइब्रेरी फंक्शंस को समझते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रिंट एफ फंक्शन का, ये मेरा एक लाइ ये हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है। यानी कि ये एक लाइब्रेरी में के थ्रू क्लासीफाई करा जा चुका है, यानी एक लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो हमने फंक्शंस को समझ लिया है, तो अब हम चलते हैं हेडर फाइल्स की तरफ। देखिए यहाँ पर जो हैश इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट एच लिखा हुआ है, ये होती है हेडर फाइल्स। अब समझते हैं कि हेडर फाइल्स होती क्या है। हेडर फाइल्स आपकी वो फाइल्स होती हैं जिनका डॉट एच एक्सटेंशन होता है। तो जिस भी फाइल का डॉट एच एक्सटेंशन होगा वो हेडर फाइल होती है। अब हेडर फाइल तो एक्सटेंशन से हमने समझ ली, लेकिन ये होती क्या है, इनका काम क्या होता है? तो देखिए आपके जो फंक्शंस होते हैं, जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, वो कुछ लाइब्रेरीज के थ्रू क्लासिफाइड होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दो लाइब्रेरीज शो कर रखी हैं। एक है हमारी एस टी डी आई ओ डॉट एच और दूसरी है हमारी मैथ डॉट एच। तो अब इन्हें समझते हैं क्या है। मैंने अभी आपको प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू समझाया था कि अगर मुझे कंसोल स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका कोड लिखा जा चुका है, तो इसलिए वो फंक्शन है। और अगर मुझे कुछ भी कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो मैं सिंपल प्रिंट एफ लिखूंगा और ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनमें वो आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा जो भी मुझे प्रिंट कराना है। तो ये तो प्रिंट एफ फंक्शन, और ये हो गया ऊपर स्कैन एफ फंक्शन। तो हमने प्रिंट एफ फंक्शन समझ लिया है, अब थोड़ा सा स्कैन एफ फंक्शन का भी यूज समझ लेते हैं। देखिए प्रिंट एफ फंक्शन तो आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, यानी आपको आउटपुट चाहिए कंसोल स्क्रीन पर, तो आप प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हो। और स्कैन एफ फंक्शन वो होता है कि जब आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो तो उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ फंक्शन। तो यानी आपको थोड़ा थोड़ा शायद क्लियर हो रहा हो यहाँ से कि हम बात करना चाह रहे हैं इनपुट आउटपुट पर। तो इनपुट आउटपुट वाले जो फंक्शंस होते हैं, जो ऑलरेडी जिनका कोड लिखा जा चुका है, वो हम एक लाइब्रेरी के थ्रू क्लासीफाई करते हैं, और उस लाइब्रेरी को बोलते हैं हम एस टी डी आई ओ डॉट एच। ये रही वो लाइब्रेरी। सिमिलरली हमारे मैथ डॉट एच भी इसी तरह की एक लाइब्रेरी होती है, और उसके अंदर भी कुछ फंक्शंस आते हैं जैसे पी ओ डब्ल्यू या एस क्यू आर टी। ये होता है स्क्वायर रूट वाला फंक्शन और ये होता है पावर वाला फंक्शन। ऐसे ही हमारी और भी लाइब्रेरीज होती हैं और उनके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। तो शायद आपको लाइब्रेरी और फंक्शंस क्लियर हो रहे हो, यानी जो हमारे हमारे सिमिलर टाइप के कुछ फंक्शंस होते हैं उनको हम किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के थ्रू डिफाइन करते हैं। यानी जो इनपुट आउटपुट वाले हैं
वो stdio डॉट एच में है, जो थोड़े मैथमेटिकल फंक्शंस कर सकते हैं वो मैथ डॉट एच में है। इसलिए ये होती हैं हमारी हेडर फाइल्स, यानी ये हमारी तो लाइब्रेरी हो गई, यानी हेडर फाइल्स एक ही बात है, और ये हमारे फंक्शंस हो गए। तो जब हम कोड को स्टार्ट करते हैं तो हम कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड करने से पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिख रहे हैं, क्योंकि stdio डॉट एच मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करना था, और आपको प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करना है तो इसलिए आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आप वो फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी से उठा रहे हो। तो जिस भी लाइब्रेरी से वो फंक्शन उठा रहे हो आपको वो लाइब्रेरी ऊपर मेंशन करनी होती है, सिंपल है। तो आपने stdio डॉट एच लिख दिया, लेकिन अब आपको कंपाइलर को समझाना है कि आपको ये लाइब्रेरी को प्रोसेस करना है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट होता है हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर वो लाइब्रेरी का नेम। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर stdio डॉट एच लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स में वो stdio डॉट एच लिखा है। अब ये हैश इंक्लूड क्या होता है? हैश इंक्लूड को बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के थ्रू हमारे कंपाइलर को पता चलता है कि हमें ये वाली लाइब्रेरी को प्रोसेस करना है, तो इसलिए हमें हैश इंक्लूड को लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी है इंट मेन। मेन भी हमारा एक फंक्शन होता है। अब मेन, जो भी आपका मेन कोड होता है, जो भी आप कोड करते हो, वो इस मेन कोड के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर ही करते हो। अब किसी भी फंक्शन की एक पहचान और होती है कि उस फंक्शन के आगे इस तरह से आपके ब्रैकेट्स लगे होंगे, ये वाले ब्रैकेट्स, ये किसी भी फंक्शन की पहचान होती है, यानी फंक्शन के आगे ये तो मिलेंगे ही आपको। तो इंट मेन के अंदर ही हमारा मेन कोड लिखा जाता है। जब भी आप कोड करेंगे तो इंट मेन आपको लिखना ही है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इंट आए ही आए। इंट का मतलब समझ लेते हैं पहले क्या है। मेन तो आपका फंक्शन हो गया, इंट मेन एक चीज़ नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा। इंट मेन आपका एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग है। मेन हो गया आपका यहाँ पर फंक्शन, ये जो मेन है ये होता है फंक्शन। इंट का मतलब क्या हो गया? इंट का मतलब होता है इंटीजर। मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस जो होते हैं वो एक वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शंस जो होते हैं वो एक वैल्यू भी रिटर्न करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं। तो अब इसी से इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंट, यानी इंट का मतलब इंटीजर। तो जो मेरा मेन फंक्शन है, जो भी मेरा मेन फंक्शन है, ये मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर इंट लिखूँ, मैं यहाँ पर वॉइड भी लिख सकता हूँ, लेकिन पहले इंट को ही समझते हैं। मैंने इंट मेन लिख दिया, तो मेन मेरा फंक्शन हो गया, और इंट क्या है? इंट है मेरा रिटर्न टाइप, यानी किस तरह का मुझे रिटर्न मिलेगा फंक्शन से, मेन फंक्शन से किस तरह का रिटर्न मिलेगा। तो जिस तरह का रिटर्न मिलेगा वो है मेरा इंटीजर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और फिर हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये वाले ब्रेसेस, और ये बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। और जब भी आपको कुछ प्रिंट कराना हो तो आपको हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, ये वाले, जब भी आपको कुछ प्रिंट कराना हो तो आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, ये वाले कोट्स जो होते हैं इनके अंदर आप लिखते हैं, यानी इनके बीच में, जैसे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। और जब भी आप कोई लाइन को एंड कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई लाइन को एंड कर रहे होते हैं, तो उसको सेमी कॉलन से एंड करना होता है, यानी उसके बाद में सेमी कॉलन लिखना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने हर लाइन के बाद लिखा है। लेकिन ये आपको मेन फंक्शन के बाद से स्टार्ट करना होता है, उससे पहले आप कोई भी लाइन एंड करते वक्त सेमी कॉलन्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब क्या हुआ? रिटर्न जीरो का मतलब ये हुआ कि ये जो जीरो वैल्यू है ये रिटर्न हो रही है, यानी फंक्शन क्या करता है, किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो मेन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो जीरो है। अब जीरो ही वैल्यू क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है, इसलिए ये जीरो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। मैंने बताया ना, इंट मेन लिखा हुआ है, यानी रिटर्न वैल्यू किस तरह की होगी? इंटीजर टाइप की होगी, तो इसलिए रिटर्न जीरो। ये हर कोड के एंड में रिटर्न जीरो लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इंट मेन लिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर रिटर्न जीरो लिखूँ, मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकता हूँ, मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकते हैं,
जीरो भी लिख सकते हैं आप, कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं। एक तरीका और होता है जिसमें हम इंट की जगह वॉइड को यूज करते हैं। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, यानी अब आपका फंक्शन आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं है और कोड बस इतना ही बनता है, खत्म। लेकिन अगर आप इंट लिखते हैं तो फिर आपको जरूरी हो जाता है कि आपको रिटर्न करानी ही पड़ेगी कोई इंटीजर वैल्यू लाइक दिस। तो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कंपाइल भी कराना होता है, तो कंपाइल एंड रन दोनों करा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये रन हो गया है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है सी प्रोग्राम का। मैं एक बार इसे समराइज कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आती है ऊपर हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स होती हैं लाइब्रेरी को इंक्लूड करना, हेडर फाइल। तो लाइब्रेरी आपकी stdio.h हो गई, ठीक है। जैसे जैसे आपके फंक्शंस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी लाइब्रेरीज भी बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आपको लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना होता है तो आप उसे हैश इंक्लूड से इंक्लूड करते हैं। तो हैश इंक्लूड आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इसकी हेल्प से आप लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं और ये पूरा होता है हेडर फाइल, इस पूरी बोलते हैं हेडर फाइल, ओके। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो कंपाइलर को ये बताता है कि आपको लाइब्रेरी को प्रोसेस करना है। और stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंट मेन पर, क्योंकि हमें अपना जब भी कोड स्टार्ट करना होता है तो वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। जब भी हमें अपना कोड स्टार्ट करना है तो वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा। तो मेन मेरा एक फंक्शन हो गया, और उसके बाद आप अपना कोड स्टार्ट करते हैं। आप कोड स्टार्ट करने से पहले आपको इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी होते हैं, उसके बाद उसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं। तो हमने अपना कोड लिखा printf हेलो वर्ल्ड। printf हमारा एक फंक्शन होता है। अब ये फंक्शंस क्या चीज़ होते हैं? फंक्शंस हमारे एक ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। और ये किस लाइब्रेरी के अंदर है? ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर है। और मुझे ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो इसी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर्ड है। printf वाला जो फंक्शन है वो इसी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है, इसलिए मैं इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट लिखा था, इंट मेन, तो इसलिए मुझे अब एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। और मैंने जो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करा है वो है रिटर्न जीरो। आप कोई भी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, अगर आप यहाँ पर वॉइड मेन लिखते हैं तो आपको कोई भी वैल्यू को रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉइड होता है, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। तो यानी अब आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे बहुत ही बेसिक और सिंपल कोड आज हमने करा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग।